वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयड किया जा सकता है। आज के टॉपिक में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करने के एक अदर मेथड या तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के एम्प्लॉयड या नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने की कंडीशंस या शर्तें क्या है, क्या कोई रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिनका लोगों के एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। आइए इसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कांता एक ऑफिस में काम करती है। वह सुबह 9:30 AM से शाम 5:30 PM तक ऑफिस में रहती है। वह रेगुलर रूप से प्रत्येक मंथ के अंत में अपना सैलरी पाती है। सैलरी के अलावा वह गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग प्रोविडेंट फंड भी प्राप्त करती है, यानी PF भी प्राप्त करती है। उसे मेडिकल और अन्य भत्ते या अलाउंस भी मिलते हैं। कांता संडे को ऑफिस नहीं जाती है। इस दिन उसे एक पेड हॉलीडे यानी सवैतनिक अवकाश होता है। उसने जब जॉब शुरू की थी तब उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जिसमें जॉब से रिलेटेड सभी टर्म एंड कंडीशंस लिखा हुआ था। कमल कांता का नेबर है। वह नज़दीक के ग्रॉसरी शॉप में एक डेली वेजेस लेबरर है। वह सुबह 7:30 AM पर दुकान जाता है और शाम को 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी डेली वेज के अलावा और कोई भत्ता या अलाउंस नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे हॉलीडे या पेड लीव नहीं मिलता। उसे कोई फॉर्मल लेटर नहीं मिला है जिसमें दुकान में काम करने से रिलेटेड कोई रूल या रेगुलेशंस के बारे में कहा गया हो। उसका एम्प्लॉयर उसे कभी भी किसी भी समय काम से हटा सकता है या हटने के लिए कह सकता है। लेट्स डिस्कस, क्या आप कांता और कमल के रोजगार की कंडीशंस या परिस्थितियों में अंतर देखते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वे इंटरप्राइजेज या उद्यम अथवा वर्क प्लेस आते हैं जहाँ एम्प्लॉयमेंट टर्म नियमित या फिक्स होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ऐसे सेक्टर्स गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और उन्हें गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इन रूल रेगुलेशंस का अनेक कानून या विधान है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या संगठित क्षेत्र कहलाते हैं क्योंकि इसकी कुछ फॉर्मल प्रोसेस या औपचारिक प्रक्रियाएं हैं। कुछ लोग किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं होते बल्कि वह स्वतः काम करते हैं, परंतु वे भी अपने को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड कराते हैं और रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी का लाभ या बेनिफिट मिलते हैं। उनसे एक फिक्स आवर तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे ज़्यादा काम करते हैं तो एम्प्लॉयर द्वारा उन्हें ओवर टाइम दिया जाता है। वे एम्प्लॉयर से कई अन्य लाभ या बेनिफिट्स भी प्राप्त करते हैं। ये बेनिफिट्स क्या हैं? उन्हें पेड लीव, हॉलीडे पीरियड में पेमेंट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा मिलता है। वे मेडिकल बेनिफिट्स पाने के हकदार होते हैं और रूल के अकॉर्डिंग फैक्ट्री मैनेजर को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जैसी फैसिलिटीज इंश्योर या सुनिश्चित करना होता है। जब वे रिटायर होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। ठीक इसके विपरीत कमल असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां होती है जो अधिकांशतः गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर होती है।
और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन्हीं से निर्मित होता है या बना होता है। इस सेक्टर्स के रूल एंड रेगुलेशंस तो होते हैं, परंतु उनको फॉलो नहीं किया जाता है, यानी पालन नहीं किया जाता। ये कम सैलरी वाले जॉब हैं और प्रायः रेगुलर या नियमित नहीं है। यहाँ ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे, सिकनेस लीव एक्सेट्रा का कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। लेबरर्स को बिना किसी रीजन के कभी भी जॉब से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है, यानी जॉब से हटा दिया जाता है। बहुत से लोग एम्प्लॉयर के चॉइस पर भी डिपेंड होते हैं, यानी जिनको एम्प्लॉयर रखना चाहता है उन्हें रखता है और जिन लोगों को नहीं रखना चाहता उन्हें हटा देता है। इस सेक्टर में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे छोटे जॉब्स जैसे स्ट्रीट सेलिंग अथवा रिपेयरिंग वर्क में स्वयं लग जाते हैं। इसी प्रकार फार्मर्स अपने फार्म्स में स्वयं काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लेबरर्स भी हायर करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। लेट्स वर्क दिस आउट। अब आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं। पहले आप उनको ध्यान से पढ़िए और फिर पढ़े गए पाठ के आधार पर उन सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने शब्दों में दीजिए। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो? अब सवाल ये उठता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, यानी उन्हें किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो भी सुरक्षित जॉब का लाभ प्राप्त कर सके। ऑर्गेनाइज सेक्टर की अत्यधिक डिमांड पर ही जॉब्स या वैकेंसी निकलता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में बहुत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। आमतौर पर यह भी पाया जाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी स्ट्रेटेजी इसलिए अपनाते हैं ताकि वे टैक्सेस और लेबरर्स को प्रोटेक्शन देने के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करने से बच पाए। एज ए रिजल्ट बहुत से लेबरर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए विवश हुए हैं। उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें फेयर वेज या उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी इनकम लो है और रेगुलर नहीं है। इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट में प्रोटेक्शन भी नहीं है, यानी जॉब सिक्योरिटी नहीं है और न ही इसमें कोई बेनिफिट है। 1990s के दशक से यह देखा गया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत अधिक लेबरर्स अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं, अतः अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को प्रोटेक्शन और हेल्प की भी आवश्यकता है। रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर मुख्यतः लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकर, लुहारों, बढ़ई और सुनार से बनता है। इंडिया में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसान यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख ऋण या लोन, स्टोरेज की सुविधा और विपणन केंद्र यानी मार्केट की पर्याप्त फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की जरूरत है। टाउन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लेबरर्स कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा में काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स यानी आकस्मिक श्रमिकों और रोड पर वेंडर का काम करने वालों, सिर पर बोझा उठाने वाले श्रमिकों, कपड़े का निर्माण करने वाले श्रमिक और कबाड़ उठाने वालों से बना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए गवर्नमेंट से हेल्प की आवश्यकता होती है। कैजुअल लेबर्स या आकस्मिक श्रमिकों को टाउन्स और रूरल एरियाज में प्रोटेक्शन दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स मेनली SC, ST एंड बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये श्रमिक इरेगुलर एंड लो पेड वर्कर यानी अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक हैं। साथ ही ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबरर्स को
संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जब कारखाने बंद हो जाते हैं, अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते या कुछ अदर वर्क करते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार यहाँ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।